हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी को जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया, जिन लोगों ने पिछली वीडियो में यार एकदम पॉजिटिव कमेंट किए, मोटिवेशन किया, मेरे को मोटिव किया। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी को। और जिन लोगों को नहीं पता यार, अभी चैनल पर मेरी एक स्ट्राइक आई हुई है, ठीक है। तो 3 महीने बाद वो स्ट्राइक हटेगी। तो 3 महीने तक यार अपने चैनल पर मैं मतलब कम एक्टिव रहूँगा, क्योंकि जब मैं पहले मैं जब मेरे स्टाइक नहीं थी तो एक हफ्ते में 4-5 वीडियो अपलोड करता था। बट वहीं पर अभी मैं एक हफ्ते में यहाँ पर एक या फिर 2 वीडियो ही अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर यार एक और चांस नहीं ले सकता कि मैं अपने रिस्क नहीं ले सकता अपने चैनल के साथ। तो अभी वीडियोस बहुत कम आएंगे बट क्वालिटी कंटेंट आएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी सेटिंग कमेंट करना, सेटिंग वीडियो ही आएंगी, सब्सक्राइबर सेटिंग। सो गाइस, इस वीडियो में बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ माक्रो की सेटिंग को। हमारे सब्सक्राइबर है गाइस, तो भाई ने यहाँ पर अपनी सेटिंग कमेंट की हुई है। सेटिंग नॉर्मल है यार यहाँ पर, बट भाई ने यहाँ पर अपनी जो रॉ एक्सेल की सेटिंग भी कमेंट की हुई है। तो जिन लोगों को नहीं पता है रॉ एक्सेल क्या है गाइस, ये एक माउस का सॉफ्टवेयर है। इससे आप अपनी माउस की जो DPI वगैरह भी चेंज कर सकते हो, अगर आपके पास गेमिंग माउस है, फिर नॉन गेमिंग माउस है तो नॉन गेमिंग माउस के लिए बेस्ट है ये। और इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस चैनल पर डाली हुई हैं रॉ एक्सेल की, तो जिन लोगों ने नहीं देखी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना उनको इस वीडियो को देखने के बाद। सो गाइस, रॉ एक्सेल जिससे आप अपनी माउस की स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप अपनी माउस की DPI चेंज कर सकते हो, स्टेबल आप अपने माउस को रिकॉइल भी कम कर सकते हो अपने गेम में इससे, ठीक है। तो काफ़ी मजा सॉफ्टवेयर है। तो रॉ एक्सेल की सेटिंग भी दी हुई है, तो भाई की सेटिंग यहाँ पर ट्राई करने वाले कंप्लीट। और आप लोग भी अपनी सेटिंग कमेंट कर देना, अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी सेटिंग पे वीडियो बने तो आप लोग अपनी सेटिंग यहाँ पर कमेंट कर सकते हो नीचे। अगर आपकी सेटिंग मेरे को यूनिक लगी, कुछ अच्छी लगी आपकी सेटिंग, तो मैं आपकी सेटिंग को जरूर से अगली वीडियो में ट्राई करूँगा। तो अपनी सेटिंग कमेंट करना मत भूलना। और रही बात अगर चैनल पे यार, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो भाई लोग सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो वैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी करना इस वीडियो को। तो चलते गए यहाँ पर सबसे पहले अपने एमुलेटर की स्क्रीन पे, वहाँ पर मैं आपको सारी सेटिंग अप्लाई करके बताता हूँ। अपना लास्ट मैंने अपना ओपिनियन दिया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने ब्लूस्टेक 5 की स्क्रीन पे, फिफ्रा स्क्रीन पे। सो गाइज, यहाँ पर सेंसिटिविटी तो भाई ने नहीं दी है, बट यहाँ पर जिस हिसाब से मेरे को सेटिंग लगी वहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर 0 ही होगी जनरल। और कस्टम मोड में गाइज, यहाँ पर कस्टम मोड भी कुछ खास नहीं बताया है। तो अगर कुछ बंदे बोल रहे थे कि भाई आपकी कस्टम मोड क्या है, तो आप यहाँ पर देख सो मेरा फायर बटन इधर है और जॉयस्टिक इधर है, उनको आप कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो गाइस, बात करें यहाँ पर एक्स और वाई सेंसिविटी की, तो एक्स और वाई सेंसिविटी भाई ने यहाँ पर दी हुई है, तो उसको यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पर डालते हैं। सो गाइस, एक्स है 1.7 और जो वाई है गाइस यहाँ पर वो है 2.4। और गाइस यहाँ पर ट्विक्स यहाँ पर डिफॉल्ट है, ट्विक्स यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, ट्विक्स यहाँ पर डिफॉल्ट ही है। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं आगे अपने यहाँ पर एमुलेटर की एमुलेटर DPI और रेजोल्यूशन भी बताया हुआ है, तो उसको यहाँ पर मैं डालता हूँ, ठीक है। सो गाइस, जो लोग भी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो यार, प्लीज़ एक लाइक जरूर से करना वीडियो को। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एमुलेटर से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ मैं चैनल पर डालते रहता हूँ, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, यहाँ पर डिस्प्ले चलते हैं गाइस। यहाँ पर डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन है 1280x720। और जो गाइस DPI है, वह यहाँ पर आपको कस्टम DPI पे जाना है, वो है गाइस यहाँ पर 440, ठीक है। 440 यहाँ पर कस्टम DPI है एमुलेटर की, ब्लूस्टिक 5 में DPI इतने रखने को बोला है। सो इसको सेव करते हैं और रिस्टार्ट करते हैं अपने एमुलेटर को। तो तब तक गाइस यहाँ पर गेम अपना एमुलेटर रिस्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा गाइस, मैं यहाँ पर आपको भाई ने यहाँ पर रॉ एक्सेल की सेटिंग भी दी हुई है, तो रॉ एक्सेल की सेटिंग यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। रॉ एक्सेल की सेटिंग भी दी हुई है और भाई ने बोला कि हाई मूवमेंट स्पीड और रिकॉयल कम के लिए इस सेटिंग है, तो उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। और गाइस, रॉ एक्सेल की डाउनलोडिंग है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेना रॉ एक्सेल, आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है और ये मैंने रिसेट वगैरह किया हुआ है, दोबारा मैं आपके सामने रिसेट वगैरह कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये रिसेट है और कुछ इस तरह का भी यहाँ पर रिसेट ग्राफ है इसका। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं और सारी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है भाई ने, तो इसको रखते हैं फिर बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर सेंसिंग मल्टीप्लायर है गाइस, वो यहाँ पर 0.72 और जो एक्स वाई रेशियो है गाइस वो है यहाँ पर 1। आपको यहाँ पर अनचेक कर लेना है, यहाँ पर आपका चेक होगा तो इसको अनचेक करोगे तो आपका ये 1 हो जाएगा। और गाइस, जो यहाँ पर ऑफ है उसको यहाँ पर रखना है लीनियर पे, लीनियर ग्राफ आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर पे रखना। और जो एक्सेलेरेशन है गाइस, वो यहाँ पर 0.222, ये 2 आपको 6 टाइम रखना है, ठीक है, 6 टाइम तक आपको रखना है। और कैप टाइप है गाइस आउटपुट, और जो कैप आउटपुट है वो गाइस वहाँ पर डिफॉल्ट 1.5, और जो कैप ऑफसेट है गाइस वो है यहाँ पर 1.2। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सारी जो सेटिंग वगैरह बताई है भाई ने यहाँ पर सारी अप्लाई कर दी है और सारी सेटिंग मैंने यहाँ पर रख दी है। सो इसको अप्लाई करते हैं और चलते हैं यहाँ पर। और गाइस, यहाँ पर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पर ग्राफ बन के आ चुका है। और यहाँ पर आपको एक डेल्टा दिखेगा, स्ट्रेट जा रहा है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर कर्व है, फिर आपको एकदम कर्व सा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी वैल्यू थोड़ा सा अलग लगी, क्योंकि थोड़ी सी मतलब डिफरेंट वैल्यू लगी, क्योंकि जो मेरी वैल्यू है रॉ एक्सेल की वो थोड़ी सी अलग है और ये थोड़ी मेरे को अलग लगी।
तो देखते हैं गाइस क्या इसमें हेडशॉट वगैरह लगते हैं फिर नहीं, अपना ओपिनियन आपको एंड में बताऊंगा। और बहुत मज़ा वीडियो गाइस, एंड तक जरूर देखना। और आप लोग भी अपनी सेटिंग कमेंट कर देना यार इस वीडियो में, ताकि अगली वीडियो में आपकी सेटिंग के ऊपर भी ला सकूं। और ऐसी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं तो यार उनको ज़रूर से देख लेना। और जो लोग यहाँ तक देख रहे हो भाई, थैंक यू सो मच सभी को। सो गाइस यहाँ पर गेम को स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर गेम तो ट्रेनिंग पे चलते हैं, वहाँ पर मैं सारी सेटिंग वगैरह जो मैंने रखी हुई है उसको यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कितने हेडशॉट लग रहे हैं इसमें या फिर कितने क्या हो रहा है इसमें, आपको बता दूंगा इस वीडियो में। सो गाइज यहाँ पर आ चुके हैं हम ट्रेनिंग ग्राउंड में, और सबसे पहले आपको मूवमेंट स्पीड की बात मूवमेंट स्पीड बता दो। सो गाइज यहाँ पर मूवमेंट स्पीड भाई ने बोला था हाई रहेगी, तो मूवमेंट स्पीड मेरे को उतनी हाई नहीं लग रही है जितनी मेरी स्पीड जितनी मेरी सेंसिविटी गाइज, मेरी सेंसिविटी खुद लो सेंसिविटी है, बट मेरी सेंसिविटी से भी हल्की मूवमेंट स्पीड मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है सेटिंग में, यहाँ पर आप देख दो। और दूसरी बात गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग वगैरह भी कम लगा मेरे को, दोबारा ट्राई करते हैं यहाँ पर शॉटगन वगैरह ले लेता हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पर हाँ मेरे को थोड़ा ड्रैग वगैरह भी थोड़ा सा मतलब कम लग रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से मतलब 2.4 में यहाँ पर ड्रैग कम रहेगा, तो जिन लोग का ड्रैग मतलब जो लोग मतलब कम माउस ड्रैग ऊपर करते हो आप लोग, तो आप वाई की वैल्यू यहाँ पर 2.7 तक रख सकते हो, 2.75 रख सकते हो वाई की वैल्यू, मतलब थोड़ा सा आपको ड्रैग यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है जिस कारण यहाँ पर मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। बट भाई ने यहाँ पर अपनी सेटिंग भेजी हुई है, तो यार उनको ऑफकोर्स सेटिंग में मतलब उनका हाथ यहाँ पर सेट होगा, तो हेडशॉट लग रहे हैं ऐसी बात नहीं, वन टैप लग रहे हैं, बट यहाँ पर ड्रैग कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा है, ठीक है, आपका माउस को कुछ ज़्यादा ही ड्रैग करना पड़ रहा है तब आपका एक परफेक्ट हेडशॉट लग रहा है इसमें ड्रैग में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो गाइस यही था मेरा ओपिनियन, ये है कि यार नॉन गेमिंग माउस की सेटिंग है वैसे, ठीक है, नॉन गेमिंग माउस की सेटिंग है, गेमिंग अगर आपके पास गेमिंग माउस नहीं है तो आप इसको ट्राई कर लेना, अगर आप लोग ड्रैग ज़्यादा चाहते हो तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। सो गाइस ये था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जोर से करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।